छुट्टी के दिन इंतखाबी गहमा गहमी, मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स में पोलिंग जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, कराची में 288 में से 84 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार, 185 हसास करार। लाहौर और पेशावर में बारिश की वजह से पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा, लाहौर के वार्ड 7 में उम्मीदवार के इंतकाल के बायस पोलिंग मुलतवी। पेशावर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 2 में 3 जमातों के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। मुल्तान के वार्ड 4 में वोटर्स में हाथापाई, पुलिस ने हंगामा आराई करने वालों को बाहर निकाल दिया। एबटाबाद में वार्ड 10 में नून लीग और पीटीआई उम्मीदवार और कारकुनान आमने सामने, पुलिस की नफरी पहुंच गई। अटक वार्ड 1 में पीटीआई और आजाद उम्मीदवार के हामियों में तल्ख कलामी। कराची के क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 4 से 2 जाली पोलिंग एजेंट्स गिरफ्तार। गुजरावाला के कश्मीर कॉलोनी में पोलियो का शिकार खातून व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंची। टोरगर में तूफानी बारिशों से तबाही, 3 कच्चे मकान ढह गए, 12 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हुए। काकुल के करीब गांव में लैंडस्लाइडिंग से मकान गिर गया, माँ बाप और बच्ची जान बहक, 2 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया, 2 की तलाश जारी। लाहौर में आज भी वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। एयरपोर्ट के नजदीक 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक मानसून का स्पेल कमजोर हो जाएगा। वासा और जिला इंतजामिया की टीम्स हाई अलर्ट। पंजाब पख्तूनख्वा गिलगित और आजाद कश्मीर में बारिशें, वादी नीलम की बुलंद पहाड़ी चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हुई। शदीद बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल, नदी नालों में तुगयानी, पतोकी में पानी जमा हुआ तो लड़के ने कश्ती बना ली। जीटी रोड सर्विस रोड पर ट्रैफिक मुतासर। कोरोना की चौथी लहर के बाद एक दिन में मजीद 58 मरीजों की जान गई, 3153 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.45 रही। हुकूमत का 15 से 18 साल के नौजवानों की भी वैक्सीनेशन का फैसला, फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स की 32 गलियां सील कर दी गई। अगर पानी काला खुश नहीं है तो हमारे कुछ दोस्त भी खुश नहीं है। हमारे इत्तेहादी ने पंजाब में इमरान को फ्री हैंड दिया है। हमारे दोस्तों, हमारे इत्तेहादियों से हमारा मुतालबा है कि उठो, शेर बने, शेर बने निकलो। वोट को इज्जत देने का वक्त आ गया, उठो जागो और शेर बनो। बिलावल भुट्टो का लैया में खिताब, एक मरतबा फिर पीडीएम को ऑफर कर दी। कहा नून लीग और मौलाना चाहें तो हुकूमत गिरा सकते हैं, पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। बुजदार सरकार को गिराएंगे, फिर वजीर आजम को घर भेजेंगे। कल मेरी हमाद अदर से बात हो गई है और बिल्कुल भी हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद कर। असद उमर साहब को खुश होना चाहिए था कि केएमसी वफाकी हुकूमत के पास पैसे मांगने के लिए नहीं आ रही, क्योंकि हमें पता है वो पैसे हमको नहीं देंगे। केएमसी के लिए टैक्स वसूली, विपाक और सिंध हुकूमत आमने सामने। असद उमर ने साफ साफ कह दिया, सिंध हुकूमत अपना काम खुद करे, हम कुछ नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने जवाब दिया, विपाक को किस बात का एतराज है, असद उमर को तो खुश होना चाहिए, केएमसी विपाक से फंड्स नहीं मांग रही। पीसीबी ने हमेशा ज्यादती की, 2 साल बर्दाश्त किया, अब चुप नहीं रहूंगा। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज फटपड़े, कहा कैरेबियन लीग के लिए 18 सितंबर तक एनओसी दी और 12 सितंबर को वापस ना पहुंचने पर नतायज भुगतने की धमकी दी गई। वसीम खान और जाकिर खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान, कहा वर्ल्ड कप खेलूंगा तो इज्जत से, वरना नहीं खेलूंगा।